नमस्कार, मैं हूं अदिति अधिकारी। बगीचा, गार्डन, ये सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? बड़ा मैदान, खिलखिलाते पेड़, खूबसूरत लहराते फूल, चिड़ियों का चहचहाना और झूलों पर खेलते बच्चे, यकीनन यही सब आपके मन में आता होगा। लेकिन क्या आपने कभी मौत से भरा बगीचा देखा है? क्या आपने जहरीले बगीचे के बारे में सुना है? क्या आपने ऐसे बगीचे के बारे में सुना है जहां बिना गाइड के जाने पर इंसान जिंदा नहीं लौटता? जी हाँ, ये वही गार्डन है जो हैरी पॉटर फिल्म में दिखाया गया था। आज हम आपको उस बगीचे के बारे में बताएंगे। अक्सर लोग गार्डन में शांति पाने के लिए जाते हैं, फ्रेश एयर के लिए पहुंचते हैं, पर कहते हैं इस बगीचे में सांस लेने से भी हो सकती है मौत। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के नॉर्दम्बरलैंड में स्थित द एलनविक पॉइजन गार्डन की। आश्चर्य की बात यह है कि ये गार्डन इंग्लैंड के सबसे सुंदर आकर्षणों में से एक है। यहाँ के मैनिक्योर किए गए टॉपियर, रंग बिरंगे पौधे, खुशबूदार गुलाब तथा कैस्केडिंग फुवारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। एलनविक गार्डन की सीमा में काले लोहे के दरवाजे पर साफ साफ लिखा है कि फूलों को रुककर सूंघना तथा तोड़ना मना है। साथ ही डेंजर साइन के साथ लिखा है दीज प्लांट्स कैन किल, यानी कि इन पौधों से हो सकती है मौत। लोग इस बगीचे में हमेशा गार्ड लेकर जाते हैं, अगर कोई गलती से अकेले बगीचे में चला गया तो जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाता। ये बगीचा अब जहर गार्डन के नाम से मशहूर है। वैसे तो ये एलनविक कैसल काफी पुराना गार्डन है, लेकिन 1997 में इसकी रीडेवलपमेंट जहरीले गार्डन के रूप में नॉर्दम्बरलैंड की रानी जेन पर्सी ने की थी। जेन पर्सी बाकी आम बगीचे से कुछ अलग बनाना चाहती थी। ये बस एक जहरीला बगीचा ही नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग बच्चों के ड्रग एजुकेशन में भी होता है, जिसके लिए गार्डन में कैनबिस व कोकेन की खेती की जाती है। ये बच्चों को एजुकेट करने का एक ऐसा तरीका है जिससे वो एजुकेट भी हो जाए और उन्हें पता भी ना चले। जेन पर्सी ने कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इस गार्डन का निर्माण किया था। उनका कहना है, मैंने सोचा एक यही तरीका है जो बच्चों की दिलचस्पी बनाए रखेगा। बच्चों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एस्पिरिन पेड़ की छाल से निकलती है, उनको फर्क पड़ता है तो इस बात से कि कैसे एक पौधा आपकी जान ले सकता है और कैसे एक पेशेंट की मौत होती है और मरने से पहले कैसा फील होता है। इस गार्डन में 100 प्रकार के जहरीले पौधे मौजूद हैं, जिनमें से कुछ रानी की पसंदीदा है, जैसे ब्रुक मानसिया और लाबन्नम। हालांकि गार्डन में हर जगह फूलों को रुककर ना सूंघने की तथा ना तोड़ने की चेतावनी लगाई गई है, लेकिन फिर भी पौधों से टॉक्सिक फ्यूम्स निकलने की वजह से लोग वहां अक्सर बेहोश हो जाते हैं। आपको बता दें, ये बगीचा 14 एकड़ में फैला हुआ है। बगीचे में करीब 700 जहरीले पौधे हैं और इस बगीचे में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय शाही दुश्मनों को हराने के लिए इन जहरीले फूलों का इस्तेमाल किया जाता था। आप इस पॉइजन गार्डन में जाना पसंद करेंगे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।